आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन ये भी सच है कि जब वो सफल आदमी लड़खड़ाता है अपने जीवन में, जब उसको कोई रास्ता समझ नहीं आता है, जब वो हार जाता है, तो वही औरत होती है जो उसको संभालती है, वही औरत होती है जो उसको सहारा देती है, वही औरत होती है जो उसके दुख में भी दुखी हो जाती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो औरत टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए उनकी पत्नी आती है। यानी अगर रोहित शर्मा की बात करें तो ऋतिका थी, विराट कोहली की बात करें तो अनुष्का शर्मा थी, और केएल राहुल की बात करें तो आथिया शेट्टी थी। ऐसे ही सारे तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उनकी पत्नियों ने उनका बहुत साथ दिया। हुआ यूं कि ओडिया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहाँ पर टीम इंडिया की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हाई थी, जज्बा बहुत ज़्यादा हाई था, जुनून फैंस के अंदर बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन वो जज्बा, वो जुनून, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई जब टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा 5 बार की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 6 विकेटों से हराकर वर्ल्ड कप में 6वीं जीत अपनी हासिल कर ली। चेज करते हुए उनकी ये बड़ी जीत आई, और फाइनल्स में चेज खाली ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम ही कर सकती है जो प्रेशर सिचुएशन में लड़खड़ाए नहीं। अगर प्रेशर की बात करें तो भैया शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्या कुमार यादव ऐसे खिलाड़ी के प्रेशर सिचुएशन झेल नहीं पाए, और इन तीनों ने ही बैटिंग में कुछ कमाल नहीं किया। रोहित शर्मा अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा का विकेट जब गया तो वो मैच का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था। रोहित शर्मा जो है 57 रनों पर आउट हो गए, 47 रनों पर आउट हो गए, वहीं से मैच का रुख जो है थोड़ा सा बदल गया था। और आखिरी में सूर्य कुमार यादव ने उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं करी जिस काम के लिए उनको लेके आए थे, जिस इंटेंट के लिए उनको लेकर आए थे टीम में, यानी प्लेइंग 11 में। उसके बाद ये जब मैच हार गए, हर किसी की आंखें नम थी। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक, सिराज से लेकर केएल राहुल तक, सूर्य कुमार यादव से लेकर हर खिलाड़ी की आंख में आंसू थे, करोड़ों फैंस की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि बस हम जीत गए, हम ट्रॉफी से बस एक कदम दूर है, और वो एक कदम का फासला इतना बड़ा हो जाएगा वो किसी को भी नहीं पता था। वो फासला अब हमें 3-4 साल और वेट करना पड़ेगा उस फासले के लिए, और वो फासला बहुत बड़ा हो चुका है अब हम, क्योंकि ये पूरा आखिरी जो जंग थी वो भी हम लोग हार गए। इसके बाद रोहित शर्मा जब रोने लग गए तो उनकी पत्नी की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि वो भी रोने लग गई। अनुष्का शर्मा की आंखों में भी आंसू थे, अनुष्का ने बाद में विराट को हग भी किया था, गले भी लगाए थे और उनको कंसोल करती हुई नजर आई थी। सारी पत्नियाँ जो है अपने हस्बैंड्स को कंसोल करती हुई नजर आई थी, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो वॉरियर्स हैं, उनके जो हस्बैंड्स हैं, वो लोन वॉरियर की तरह लड़े हैं, वो मैदान जंग कर अभी आ रहे हैं, और उस टाइम पर अगर आप कमज़ोर पड़ जाओगे तो कैसे चलेगा। तो अपनी जो पत्नियां हैं वो अपने हस्बैंड्स को संभाल रही थी। ये जेस्चर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी लगता है कि भाई जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको उनकी पत्नियों से ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं संभाल सकता था। जिस तरीके से पत्नियों ने साथ दिया है हारने के बावजूद भी, वो और कोई नहीं दे सकता। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए।